नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिला हैंडबॉल एसोसिएशन का वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग आज आउट ऑफ टाउन रेस्टोरेंट के सभागार में प्रेस वार्ता की गई। इसकी अध्यक्षता बोकारो जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू शरण प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रेस के माध्यम से झारखंड सरकार और बोकारो उपायुक्त को कहना चाहते हैं कि हैंडबॉल खिलाड़ियों को अगर सरकार और जिला प्रशासन मदद करे और सभी सुविधा अगर मिले तो झारखंड का नाम बढ़ाएंगे। हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इस बैठक में कमेटी का गठन किया जिसमें हरेंद्र कुमार जी को सर्वसम्मति से नया सचिव मनोनीत किया गया, जो जल्दी ही BDHA की एक नई टीम का गठन और घोषणा करेंगे। इस बैठक में वाइस प्रेसिडेंट प्रसून कुमार और जयवीर सिंह उपस्थित थे। इस बैठक के मुख्य अतिथि कुंदन सिंह ने BDHA को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया कि वो एसोसिएशन के साथ हमेशा रहेंगे। बैठक में हमारे संयोजक रमेश यादव और संयुक्त सचिव दीपक गुप्ता उपस्थित थे। हम लोग बोकारो जिला हैंडबॉल एसोसिएशन का ये वार्षिक जनरल बॉडी का मीटिंग है। इसमें इस मीटिंग का पर्पस ये था कि पहले हम लोगों ने आज नया नियुक्त किया है सेक्रेटरी का, बोकारो डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन का मिस्टर हरेंद्र कुमार को, और इस पर हम लोग इसके बाद नई कमेटी का गठन किया गया है। और इसमें आज हम लोग का और एक दो मुद्दा क्या ये था कि हम लोगों को झारखंड स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन ने एक हम लोगों को बहुत बड़ा टूर्नामेंट दिया है डिस्ट्रिक्ट स्टेट चैम्पियनशिप कराने का, ठीक है। और उस पर भी चर्चा हम लोगों को करना है क्योंकि हम लोगों को जनवरी माह के लास्ट में यह टूर्नामेंट हम लोगों को कराना है, ठीक है। और जो इसके बाद हम लोगों का जनरली गेम सिर्फ स्टेडियम में होता है हैंडबॉल का, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस गेम को और इसका फैलाव हो, और इसके लिए हम लोग उस गेम को सिर्फ स्टेडियम तक ना सीमित रखकर और उसके बाहर भी सेक्टर में लाना चाह रहे हैं। तो उस वजह से हम लोग दूसरे जगह ग्राउंड भी बनाना चाह रहे हैं। तो इस बारे में हम लोग बोकारो मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और अपने DC से भी जाकर बात करें कि हम लोगों को एक ग्राउंड मुहैया कराया जाए ताकि हम इसका इस गेम का पूरा प्रचार प्रसार हो सके और फैलाव हो, ताकि बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी प्लेयर निकले हैं जो इंटरनेशनल हैं। जो अभी आपको आपके पीछे में है ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मिस्टर सत्या सिंह आए हुए हैं, ये आर्मी से अभी आए हैं और ये जापान खेलेंगे। तो यहाँ से करीब 6-7 जन इंटरनेशनल हुए हैं, तो इसलिए और बहुत सारे नहीं भी तो कम से कम 50 नेशनल खेले हैं। और ये हरिंदर जो है ये अपने आप में एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और ये 2 दफे इंडिया कैंप भी किए हैं। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।